कहते ना कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। हाँ, तुम करो तो बस बढ़िया। पूरे भारत में ऐसे कोई राज नहीं है जहां वहां राज को लोगों को परेशान नहीं करता होगा भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं वो आपके साथ रश्मि। इस वक्त बीजेपी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी बिहार भर में जो प्रदर्शन है वो कर रही है और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बीजेपी बयान भी दे रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के सपोर्ट में मुकेश सहनी उतर आए हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, यानी कि मुकेश सहनी ये साफ बता रहे हैं कि जो काम बीजेपी पिछले कई सालों से करती आई है, अगर आज वो कदम सीएम नीतीश कुमार ने उठाया तो वो कहां से गलत साबित होता है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी बताया है कि पहले बीजेपी ने मुझे तोड़ने का काम किया और अब चूंकि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से मेल नहीं खा रहे थे, उनकी बन नहीं पा रही थी, और अगर सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए तो इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी ने भी तो साल 2017 में यही काम किया था, यानी कि जब साल 2017 में महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी, और इन्हीं बातों को आज एक बार फिर से मुकेश सहनी ने दोहराया है और साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, सुनवाते हैं आपको। गठबंधन में रहते हुए साथी को अचानक पैसे के दम पर, लालच के दम पे, जैसे भी हो, उन्होंने अपने पाले में बदल लिया। उसके बदले में आपने क्या किया? ना आपने कुछ किया और ना मैंने कुछ किया। दूसरों सुबह में मैं यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको मैंने धन्यवाद दिया कि मेरे सहयोग से आपने 74 विधायक बनाया तो बिहार में 2 नंबर की पार्टी आपकी बनी, और आज मेरे सहयोग से आप बिहार का 1 नंबर पार्टी बने, 4 विधायक लेके चलिए, आपको मुबारकबाद हो। हमने उनको धन्यवाद दिया और आपने भी कुछ नहीं किया। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी, उनका दल अलग है, नीतीश कुमार जी का दल अलग है, दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे थे। नीतीश जी का मन नहीं हुआ, उनको छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने बीजेपी ने क्या किया, पटना में धरना दिया, फिर पूरे बिहार में जिला में धरना दिया, फिर पूरे बिहार के हर प्रखंड में धरना दिए, और अभी वो पंचायत में धरना देने के लिए तैयार है। अब बताइए उनके साथ क्या जुल्म किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो गांव गांव में लोगों के बीच में संदेश दे रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को क्या ले लिया? कुछ भी नहीं। कल तक तुम्हारे साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तुम्हारा मेरा नहीं बना, तुम अपने घर में अपने घर, बोल रहे हैं कि जनादेश का अपमान किया। तो तुम 2017 में तुमने क्या किया? तुमने भी आरजेडी का सरकार बना बनाया, सरकार को अपने पास में लेकर सरकार बना लिया, तुमने क्या किया? कहते ना कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। हाँ, तुम करो तो बस बढ़िया। पूरे भारत में ऐसे कोई राज नहीं है जहां वहां राज को लोगों को परेशान नहीं करता होगा भारतीय जनता पार्टी। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, उसका सरकार बना बनाया सरकार को तोड़वा दिया और उसमें 2 गुट बना के उनको दूसरे व्यक्ति को वहां के मुख्यमंत्री बना दिया। झारखंड में उनकी सरकार बना, सॉरी गोवा में उनके सरकार बना हुआ था, उनके पास बहुमत था, उसके बाद भी विपक्ष को तोड़ के और मजबूत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 6 विधायक को मिला लिया अपने पार्टी में, जबकि वहां पर उनका फुल बहुमत में सरकार था और जेडीयू का समर्थन भी था, उसके बाद भी कर लिया। तुमने बिहार में क्या किया? तुम्हारी सरकार चल रही थी, फुल बहुमत में सरकार था, कोई ईंट-बट भी नहीं था,